हमें पुलिस प्रशासन के सामने इतना भीख मांगना पड़ रहा है, किसान हम लोग को धरना देने दीजिए। रिजल्ट मेरा जारी करो, जारी करो। नीतीश कुमार मुर्दाबाद, नीतीश कुमार मुर्दाबाद। क्या करेंगे, क्या उम्मीद करें हम इस सरकार से? कुछ उम्मीद नहीं है अब इस सरकार से, बस हमारी बहाली जल्द से जल्द पूर्ण कर दे, यही चाहते हैं सर हम। हम लोग नंगा हो गए हैं, हम लोग तो कपड़ा से लोग नंगा होता है, नीतीश कुमार नंगा कर दिया है। नीतीश कुमार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, नीतीश कुमार मुर्दाबाद। बात सुनना और रिजल्ट देने की जगह ये लोग बहाली कैंसिल करना चाहते हैं। सर आप तो देख ही रहे हैं, जो चार साल से बहाली पेंडिंग पड़ी है, उस बहाली को क्लियर ना करके, उस वैकेंसी को कैंसिल करके, और तब ये बोलेंगे कि हम 10 लाख रोजगार दे रहे हैं। बिहार तकनीकी सेवा आयोग के जो अभ्यर्थी है वो राजधानी पटना में प्रदर्शन कर रहे हैं। इससे पहले इन्होंने ऐलान किया था कि जितने भी पार्टी के कार्यालय हैं, यानी आरजेडी, जेडीयू, बीजेपी, इनको घेराव किया जाएगा, लेकिन उससे पहले बड़ी संख्या में पुलिस बल की तैनाती कर दी गई है। और आप देख सकते हैं तस्वीरों में कि यहाँ पर मजिस्ट्रेट के अलावा ठीक बीजेपी कार्यालय सामने है। बीजेपी कार्यालय के पीछे का जो हिस्सा है उससे पहले ही यहाँ पर अभ्यर्थियों को रोक दिया गया है। और इनकी ये मांग है, तेजस्वी और नीतीश के खिलाफ जो है वो लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं, नारेबाजी कर रहे हैं। इनका कहना है कि सरकार वादे तो कर रही है लेकिन रिजल्ट में इतनी देरी है कि हम लोग कई बार सड़कों पर आए हैं लेकिन हमारी जो मांगे हैं वो पूरी नहीं हो सकी है। और ये पहले भी प्रदर्शन कर चुके हैं, इच्छा मृत्यु की मांग कर रहे हैं। और इनका कहना है कि सरकार जब तक हमारी बात नहीं मानेगी हम लगातार प्रदर्शन करते रहेंगे। क्या लग रहा आपको? नहीं जाने दिया यार, हम लोग दरवाजे पे ही रोक दिया गया। हम लोग आगे जाने वाले थे जदयू कार्यालय, राजद कार्यालय, बीजेपी कार्यालय, लेकिन हम लोग को जाने नहीं दिया गया। यहाँ पे प्रशासन आके हम लोग को रोक रही है। और बीटीएससी यही का हम लोग का रिजल्ट आ चुका था लेकिन दोबारा रिजल्ट ये लोग बोला गया 2005 में रिवाइज रिजल्ट देगा लेकिन रिवाइज रिजल्ट अभी तक नहीं आया। तेजस्वी यादव चोर है, मक्का वाला चोर है, मक्का वाला चोर है, सभी नेता चोर है। वादा खिलाफ कर रहा है। जारी करो, जारी करो, रिजल्ट मेरा जारी करो, जारी करो। नीतीश कुमार मुर्दाबाद, नीतीश कुमार मुर्दाबाद। चोरवा सामने हमको घेरा। क्या लग रहा है तेजस्वी, सुन रहे हैं आपको? अरे कुछ नहीं रहे हैं तेजस्वी जी, हम लोग सब बहाली कैबिनेट में आप लोगों का बहाली करेंगे लेकिन ये बहाली 2019 में निकाल के हम लोगों का जो है रिजल्ट भी प्रकाशन किया गया, उसके बाद पुनः संशोधन के नाम पर रिजल्ट वापस लिया गया और अब जो है यहाँ तक नौबत ले आया है कि इस वैकेंसी को हम लोग रद्द करके फिर से हम वैकेंसी निकालेंगे। एक वैकेंसी निकलती है। तेजस्वी यादव मुर्दाबाद के नारे लगा रहे हैं। तेजस्वी यादव कहा था कि हमारा पहले कैबिनेट में 10 लाख का नौकरी देंगे। तेजस्वी यादव कहा था 10 लाख का नौकरी देंगे, सरकार में आया उससे पहले उसका विधायक जवाब दिया और उसके बाद सरकार में आके चुप हो गया। नीतीश कुमार विपक्ष में रहते हुए हम लोगों का बहाली सबसे पहले होगी लेकिन अभी तक हम लोगों का बहाली नहीं हुआ, इसीलिए हम लोग नीतीश कुमार नंगे क्यों हो रहे हैं? नंगा क्यों हो रहे हैं? हम लोग नंगा हो गए हैं, हम लोग तो कपड़ा से लोग नंगा होता है, नीतीश कुमार नंगा कर दिया है। नीतीश कुमार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, नीतीश कुमार मुर्दाबाद। आप देख सकते हैं कि जो अभ्यर्थी महिलाएं हैं वो भी प्रदर्शन कर रही है। उनका कहना है कि सरकार ने जो वादा किया था उस वादे पर खड़ी नहीं उतर रही है। आप देखिए तस्वीरों में कि जो पुलिस है वो बड़ी संख्या में यहाँ पर तैनात कर दी गई है। ये लोग पहले कार्यालय जाना चाहते थे, यानी जितनी भी पार्टी का कार्यालय है वहाँ जाना चाह रहे थे लेकिन इन्हें अनुमति नहीं मिली। इससे पहले ही यहाँ पर जो मजिस्ट्रेट है, पुलिस के लोग है। क्या लगता है, तेजस्वी जी नहीं सुन पा रहे हैं आपकी बात? कोई नहीं सुन रहा है सर। तेजस्वी जी, नीतीश जी, हमको जिनसे उम्मीद था हम लोग हर जगह रिक्वेस्ट करके देख लिए, बात सुनना और रिजल्ट देने की जगह ये लोग बहाली कैंसिल करना चाहते हैं। क्या लगता है, नई सरकार है? सर आप तो देख ही रहे हैं, जो चार साल से बहाली पेंडिंग पड़ी है, उस बहाली को क्लियर ना करके, उस वैकेंसी को कैंसिल करके, और तब ये बोलेंगे कि हम 10 लाख रोजगार दे रहे हैं। क्या यही रोजगार दे रहे हैं? चार साल से हमको सड़कों पे बिठा रहे हैं, 52 दिन गर्दनी पार्क में धरना दिए, बार बार शांतिपुर धरना दिए, फिर ये आज ये मंजर आ गया है कि हमें पुलिस प्रशासन के सामने इतना भीख मांगना पड़ रहा है, किसान हम लोग को धरना देने दीजिए। क्या करेंगे, क्या उम्मीद करें हम इस सरकार से? कुछ उम्मीद नहीं है अब इस सरकार से, बस हमारी बहाली जल्द से जल्द पूर्ण कर दे, यही चाहते हैं सर हम। अब क्या लगता है, क्या आगे क्या रणनीति होगी?
हम मानना पड़ेगा क्योंकि हम लोग अपने अधिकारों के लिए लड़ रहे हैं, मगर वो लोग वैकेंसी देना ही नहीं चाहते हैं। वादा कर करके हम लोग को ज्वाइनिंग बचा हुआ है और हम लोग का रिजल्ट कुछ नहीं। तेजस्वी यादव ने पहले कहा कि वो रोजगार देंगे, बट अब उन्हें रोजगार से कोई लेना देना नहीं है। अगली बार देखते हैं वो कैसे जीत जाते हैं यहाँ मुख्यमंत्री के तौर पे। यहाँ पर बड़ी संख्या में जो अभ्यर्थी है वो पहुंचे, हालांकि इससे पहले इन लोगों ने ऐलान किया था कि जो पार्टी कार्यालय है उसका घेराव किया जाएगा, लेकिन इससे पहले ही बड़ी संख्या में पुलिस बल की तैनाती कर दी गई थी। आरजेडी, जेडीयू और बीजेपी कार्यालय को घेरने का प्लान था, लेकिन मजिस्ट्रेट के साथ साथ बड़ी संख्या में जो पुलिस बल की वो तैनाती की गई और छात्रों को यही घेर लिया गया। इनका कहना है कि हम अपनी मांग को लेकर के पहले भी प्रदर्शन करते रहे, पहले भी बातें रखते रहे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। लेकिन आज जो है लोकतंत्र की आवाज़ दबाई जा रही है, अपना अधिकार मांगने के लिए निकले हैं, लेकिन पुलिस की बैरिकेडिंग और पुलिस को घेर करके हमारी आवाज़ को दबाने का प्रयास किया जा रहा है।